इंटरनेट पे आलिया भट्ट की साड़ी चर्चा का विषय बन गई है। अयोध्या में पहुंची आलिया के अनोखे अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं आलिया की साड़ी की चर्चा हो क्यों रही है। आलिया भट्ट सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई। उनके साथ पति रणबीर कपूर भी थे। दोनों का ट्रेडिशनल अवतार फैंस को काफी पसंद आया। रणबीर और आलिया की जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आलिया भट्ट ने जो साड़ी पहनी थी उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी ये साड़ी रामायण की थीम पर आधारित थी। वहीं रणबीर कपूर भी धोती कुर्ता पहने हुए स्मार्ट लग रहे थे। आलिया भट्ट ने जो साड़ी पहनी हुई थी वह रामायण थीम वाली थी। इसमें भगवान राम और राम सेतु वाली जटिल कढ़ाई की गई थी। ये एक सिंपल सी ग्रीन कलर की साड़ी थी। आलिया भट्ट की इस साड़ी को मधुरिया क्रिएशंस नाम के एक बुटीक से खरीदी थी। इस साड़ी में रामायण की एक कहानी का हिस्सा है। उन्होंने साड़ी से मैचिंग कलर की शॉल पहनी हुई थी। आलिया भट्ट की साड़ी का एक बॉर्डर था जिसमें कढ़ाई के जरिए पूरी रामायण को दर्शाया गया था। इसमें भगवान राम, सीता, हनुमान और राम सेतु की छलक भी थी। आलिया भट्ट ने अपने बालों का बन बना रखा था और अपने लुक को एयरिंग से कंप्लीट किया था। उन्होंने आउटफिट को मैचिंग पर्स के साथ पूरा किया था। आलिया भट्ट की साड़ी की तस्वीर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आलिया को इसके लिए प्यार और सराहना मिली। फैंस इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जय श्री राम कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें आलिया भट्ट की इस साड़ी की कीमत लगभग 40,000 रुपए से ज्यादा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फैन पेज ने समारोह के बाद एक्स पर आलिया भट्ट की साड़ी की एक जूम इन तस्वीर शेयर की। इस पर कैप्शन लिखा था कि आलिया भट्ट ने एक साड़ी पहनी है जिस पर कढ़ाई से संपूर्ण रामायण को दर्शाया गया है। वहीं एक एक्स यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, मेरी लड़की बहुत सुंदर लग रही है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आलिया को पसंद करने का एक और कारण। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करिए इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।